Everyone, greetings for the day. Dr. Anu from Punjab. As you all know, the series of differentiation of rubrics is for young homeopathy doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning of the rubrics. So, ये रूब्रिक की फरमाइश मुझे एक यंग होम्योपैथिक जो फाइनल ईयर के डॉक्टर हैं, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने मुझे की थी. तो मैं काफी टाइम से दूसरे रूब्रिक्स कर रही थी, लेकिन आज उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये दोनों रूब्रिक डीडी करूंगी. दैट इज अब्रप्ट एंड इम्पल्स. अब्रप्ट इज सडन, अनएक्सपेक्टेड, विदाउट एनी प्री वार्निंग, एकदम से, अचानक. सरल भाषा में अचानक, एकाएक, जैसे अभी पेशेंट सेटल नहीं होते, एकदम से बोलना शुरू कर देते हैं. एकदम से हमें फाइल्स पकड़ाई, अभी हमने फाइल्स खोली भी नहीं होती, सारा कुछ बोलना शुरू कर देते हैं. पेशेंट का आईपीआर भी आपको बताता है कि डॉक्टर मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आती. हम मूवी देखने जा रहे थे, सबसे पहले तो ये रेडी हुई, लेकिन अचानक से कपड़े उतार दिए, मतलब चेंज कर लिया और बोली मैंने तो अभी मूवी देखने नहीं जाना, आप चले जाओ. व्हाई एंड व्हेन, कब और क्यों, एकदम से इनका मूड चेंज हो जाता है, कुछ कह नहीं सकते. हम तो सोचते ही रह जाते हैं कि इसके साथ कब क्या ठीक है. तो हम वहां पर रूब्रिक कंसिडर करते हैं. अब्रप्ट सेकेंड रूब्रिक इज इम्पल्सिव, एकदम से ही अंदर से आ जाना, जिसे हम बोलते हैं ना, अंदर से ही कोई इम्पल्स आई और पेशेंट ने एक्शन ले लिया. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर साहब आराम से सब बैठे होंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड यकायक बोलेंगे चलो मूवी देखने चलें. तो ऐसे ही ये एकदम से, ऐसे ही हमारा फैमिली ट्रिप बहुत बार बना है कि अचानक से ये बोलते हैं चलो पैकिंग करो, कल हिल स्टेशन चलते हैं. कई लोग आपने देखा होगा भी, डॉक्टर साहब बस मेरे मन में आया, मैंने कंबल खरीदे और सर्दी में गरीबों को बांट दिए. और बच्चों के केसेस में आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब इसका पता ही नहीं चलता, अचानक खेलते खेलते दूसरे को दांत काट दिया या फिर स्लैप कर दिया. इम्पल्स हमेशा अंदर से आती है. तो आई होप रूब्रिक क्लियर हो गया होगा कि कहां पर हमने अब्रप्ट को अप्लाई करना है और कहां पर हमने इम्पल्सिव को अप्लाई करना है. और यस, 6 जुलाई को प्लीज आप ज्वाइन कीजिए अध्ययन 11. आप डॉक्टर अशोक अवधिया को कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर मैं एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी का केस ले रही हूं, जो कि मॉडर्न साइंस में ये बोला गया था कि चॉकलेट सिस्ट होने के कारण आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है. हमारी होम्योपैथी मेडिसिन के साथ चॉकलेट सिस्ट भी क्लियर हुआ और जो इनफर्टिलिटी थी वो भी क्लियर हुई और उन्होंने कंसीव किया. आई होप यू ज्वाइन मी इन द वेबिनार ऑफ July 6.
Hello doctors, after successful completion of our basic primary course 4 with bread butter remedies and gynac cases, we now slowly move towards the BPC 5 consisting of pediatric cases by our learned mentors with good command over rubrics and remedies. Observation plays a key role in prescription for kids, be it fever, cough or vomiting cases. So come and join our basic primary course 5, where we will take you on a learning journey of pediatric cases with our team HSH mentors and guest lecturers so that you are confident in prescribing to your tiny patients and their anxious parents. For more details, call Dr. Ashok Awadhia. Phone number given in the link below. Thank you so much.